हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब गाइस? इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उसका चैप्टर नंबर 1 आज स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो गाइस, ये सब्जेक्ट आपके लिए नया नहीं है, आपने प्लस वन और प्लस टू में पढ़ा हुआ है। बस इसका समझ लो एक तरह से आपका रिविजन, और थोड़ा सा एडवांस स्टेज में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो मैंने पहले ही आपको अंडरलाइन करके रखे हुए हैं, लेकिन आपने नोट्स पूरे बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से। सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस बाय विच द रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई द कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ सोसाइटी। मतलब इकोनॉमिक्स वो स्टडी है उन सारे प्रोसेसेस की, जिसमें हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं इस तरीके से ताकि हमारी जो अनलिमिटेड डिमांड्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, ऑफ कोर्स द अवेलेबल रिसोर्सेज विल बी इफेक्टिवली यूज्ड, एफिशिएंटली यूज्ड, सॉरी, व्हेन दे आर एलोकेटेड टू देयर हाईएस्ट वैल्यू यूज्ड। एंड इकोनॉमिक्स इज दस द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म द स्कार्स रिसोर्सेज into goods and services to satisfy the most pressing of our infinite wants and to how we distribute these goods and services among ourselves. ठीक है जी, but this definition has narrow meaning because in this definition skill and productivity is ignored. इसमें skill और productivity ignore की गई है. Meaning of business economics. Business economics may be defined as the use of economic analysis to make business decisions involving the best use of an organization's scarce resources. ठीक है गाइस, तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। हाँ गाइस, आपको पता ना कि इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस within an economic system. In other words, microeconomics examines how the individual units make decision as to how to efficiently allocate their scarce resources. Hence, the focus on a small number of or group of units rather than all the units combined and therefore it doesn't explain what is happening in the wider economic environment. We mainly study the following in the microeconomics. हम क्या study करते हैं guys? Product pricing, consumer behavior, factor pricing, economic condition of the section of the people, behavior of the firms and location of the industry. और उसके बाद हम क्या discuss करेंगे आगे guys कि microeconomics, macroeconomics क्या होती है? So we study the behavior of the large economic aggregates such as overall level of output, the employment, the total consumption, total investment, exports, imports or foreign exchange and also how these aggregates shift over time. It analyzes the overall economic environment in which the firms, government and households operate and make decisions. However, it should be kept in mind that this economic environment represents the overall effect of the innumerable decisions, बहुत सारे decisions लेने होते हैं, made by the millions of the different consumers and producers. A few areas that come under macroeconomics, वो कौन से guys? National income and national output. दूसरा है the general price level and interest rate. तीसरा है balance of payment, जिसको हम export import भी बोलते हैं. External value of currency. पांचवा the overall level of saving and investment. छठा the level of employment and rate of economic growth. तो ये सारे टॉपिक इसमें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, प्लस टू में आप डिफरेंट चैप्टर्स में ये पढ़ चुके हो हैं. ओके जी, तो चलिए हम आगे बात कर बढ़ते हैं. नेचर क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स की? सबसे पहले हम बात करेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स द टूल ऑफ डिसीजंस साइंसेज सच एज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स विद इकोनॉमी थ्योरी टू अराइव एट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस. इट फॉलोज साइंटिफिक मैथड एंड इम्पेरिकली टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट. नंबर टू, बेस्ड ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, अ बिजनेस मैनेजर इज यूजली कंसर्न अबाउट द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटर्मिंड ऑब्जेक्टिव ऑफ
his organization so as to ensure the long term survival and profitable functioning of the organization. Since business economics is concerned more with the decision making problems of the individual establishments, it relies heavily on the techniques of the microeconomics. 3. Incorporate element of macro analysis. A business unit doesn't operate in a vacuum. It is affected by the external environment of the economy in which it operates, such as general price level, income and employment level in the economy, and the government policies with respect to taxes, exchange rates, etc. Right guys? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अब business manager must be acquainted with these and other macroeconomics variables present as well as future which may influence his or her business environment. Right guys? चलिए fourth point क्या है? Business economics also an art. As an art, it is involves practical application of rules and principles for the attainment of set of objectives. And fifth, use of theory of markets and private enterprises. Business economics largely uses the theory of markets and private enterprises. It uses the theory of firm and resource allocations in the backdrop of the private enterprise company. Number six, pragmatic in approach. Microeconomics is abstract and purely theoretical and analyzes economic phenomena under unrealistic assumptions. In contrast, business economics is pragmatic in approach as it tackles practical problems which firms face in the real world. And seventh point kya, interdisciplinary in nature. Business economics is interdisciplinary in nature as incorporate tools from other disciplines such as mathematics, operation research, management theory, accounting, marketing, finance and statistics. Eighth point, normative in nature. You know that economic theory has developed along two lines. एक तो positive economics होती है और दूसरा normative. और positive और pure science क्या है? Analysis cause and effect relationship between the variables in an objective and scientific manner, but it doesn't involve any value judgment. In other words, it states what is of the state of affair and not what ought to be. It is descriptive in nature and in the sense that it describes the economic behavior of the individuals or society without prescriptions about the desirability or otherwise of such behavior. And a normative science kya hoti hai? Which involves value judgments. It is prescriptive in nature and suggests what should be a particular course of action under given circumstances. Welfare considerations are embedded in the normative science. Business economics is generally normative or prescriptive in nature. It suggests the application of economic principles with regard to policy formulation, decision making and future planning. Business economics combines the essentials of normative and positive economic theory but the emphasis is more on normative economics. Right guys? तो ये था nature. अब हम discuss करेंगे scope of business economics. The scope of business economics is quite wide. It covers most of the practical problems a manager or a firm faces. There are two categories of business issues to which economic theories can be directly applied. Internal operational issue can be solved with microeconomics. दूसरा external environmental issue can be solved with macroeconomics. Right guys? तो सबसे पहले जाहिर है हम क्या बात करेंगे माइक्रो की. चलिए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू इंटरनल और ऑपरेशनल इशू. ऑपरेशनल इशूज कौन से हैं? आर दोज इशूज विच फॉल विद इन द परव्यूज और एंड कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट. दीज इशूज आर रिलेटेड टू चॉइस ऑफ द बिजनेस एंड साइज, फिर प्रोडक्ट डिजाइन, टेक्नोलॉजी एंड फैक्टर कॉम्बिनेशन, प्राइसिंग, सेल्स प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री. द फॉलोइंग माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज डील विद मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज.
और उसके बाद क्या है, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। डिमांड एनालिसिस प्रिटेंस टू द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट, इट स्टडीज द नेचर ऑफ द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस एंड द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड सच एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कंज्यूमर्स इनकम, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स एटसेट्रा। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है, इज द टेक्निक ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट बिहेवियर ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड। राइट गाइस, चलिए आगे, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। सो प्रोडक्शन थ्योरी एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट्स। अ बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैज टू डिसाइड ऑन द ऑप्टिमम साइज ऑफ द आउटपुट गिवन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। He has also to ensure that the firm is not incurring under cost. Production analysis enables the firm to decide on the choice of the appropriate technology and the selection of the least cost input mix to achieve technically efficient way of producing inputs in the given inputs. ठीक है, given inputs में आपको कैसे produce करना है वो बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट एनालिसिस इनेबल्स द फर्म टू रिकॉग्नाइज द बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट व्हेन वेरिएबल्स सच एज आउटपुट, टाइम पीरियड एंड साइज ऑफ द प्लांट चेंज, एंड द फर्म विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वे टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ द आउटपुट एट अ मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। एंड नेक्स्ट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट थ्योरीज प्रिटेनिंग टू रूल्स दैट द फर्म कैन बी यूज टू मिनिमाइज द कॉस्ट्स associated with maintaining the inventory in the form of WIP, raw material and finished goods. Inventory policies affect the profitability of the firm. Business economist methods कौन से use करते हैं इनके लिए, ABC analysis है, right guys? और उसके बाद simple simulation exercises and mathematical models को use करते हैं to help the firm to maintain optimum stocks of inventories. And next point क्या है guys? Market structure and pricing policies. Analysis of the structure of the market provides information about the nature and extent of the competition which the firm have to face. This helps in determining the degree of the market power, ability to determine prices, which the firm commands and the strategies to be followed in the market management under the given competitive conditions such as product design and marketing. Price theory explains how prices are determined under different kinds of market conditions and assists the firm in framing suitable price policies. And next point kya guys, resource allocation. Resource allocation kaise karenge? Business economics with the help of the advanced tools such as linear programming enables the firm to arrive at the best course of action for optimum utilization of the given resources. Theory of capital and investment decisions. For maximizing its profit, the firm has to clearly evaluate its investment decisions and carry out a sensible criteria for the choice of investment projects and in assessment of efficiency of the capital. Business economics supports decision making and allocation of scarce capital among competing use of funds. Right guys? Or profit analysis kya aayega isme? Profits are most often ascertained due to changing prices and market conditions. Profit theory guides a firm in the measurement and management of the profit under conditions of the uncertainty. Profit analysis is also immensely helpful in future profit planning. And uske baad risk and uncertainty analysis. And business firms generally operate under condition of risk and uncertainty analysis of risk and uncertainty helps the business firm in arriving at efficient decision and formulating plans on the basis of the past data, current information and future prediction. Right guys? तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक कैसे अप्लाई की जाती है एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल क्राइसिस के लिए के वक्त. Environmental factors have significant influence on the functioning and performance of the business. The major macroeconomic factors relate to the type of the economic condition system, storage of the business cycle, general trends in the national income, employment, price, saving and investment,
गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कंपटीशन पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसीज। गाइज ये सारी पॉलिसीज आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ चुके हो, क्लास प्लस टू में बिजनेस इन्वायरमेंट के चैप्टर में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंडर, है ना, एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, वर्किंग ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड द फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट एंड देयर रेगुलेशन, सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ट्रेड यूनियंस, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर यूनियंस एंड कोऑपरेटिव्स, और उसके बाद सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, द बिजनेस डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विदाउट कंसिडरेशन कंसिडरिंग दीज प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एज द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स, इट शुड फाइन ट्यून इट्स पॉलिसी टू मैक्सिमाइज देयर एडवर्स इफेक्ट। तो गाइज इसी के साथ ये टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, गुड लक।